हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन देसी वर्कशॉप। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो चलो, हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब बारी आती है कि हम लोग फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस को कर डालें जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने किया। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम लोग लेंगे वन बाय वन करके सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि हमारे सिलेबस में है। चलो जल्दी से आओ, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। द थ्री मासेस m, 2m एंड 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन m। ओके, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन मास m, यानी कि इस छोटे वाले मास पे m फोर्स, F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। मूव अपवर्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। याद रखिएगा डियर, यही एक ऐसा टर्म है जो आपको इस क्वेश्चन से बाहर निकालेगा, यानी यही आपका बेड़ा पार लगाएगा। क्या है वो? कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑन 2m। अच्छा, आप ये हमें बताइए कि अगर आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था डियर? आपने ये पढ़ा था कि जो f नेट होता है, f नेट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। अगर f नेट जीरो है तो किसी भी बॉडी पे f नेट जीरो है तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर मोशन की स्टेज में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर वो रेस्ट की स्टेज में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और एफ एक्सटर्नल यहां पे कितना आ रहा है? एफ नेट या एफ एक्सटर्नल कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है डियर। अगर एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये बताइए, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है तो आप हमें ये बताओ कि वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वहां पे जीरो होता है, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन द, भाई चाहे m पे कहो, चाहे 2m पे, चाहे 3m पे, तीन के तीनों मासों पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा डियर, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा केवल इस फंडामेंटल से कि इस फंडामेंटल से कि अगर कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो इसका मतलब होता है कि अगर इफ एनी बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मींस द एक्सीलरेशन इज जीरो। इफ द एक्सीलरेशन इज जीरो तो एक्सीलरेशन इसमें भी जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा, इसमें भी, किसी में भी जीरो होगा। तो 2m का पूछ रहा, तो 2m में क्या होगा? जीरो होगा। और ये नीट 2013 का क्वेश्चन था। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट, अगर हमारा बेसिक्स क्लियर रहे तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इधर उधर भागने की। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए और हमें आप बताइए फटाफट से कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बताइए। ऑन अ पार्टिकल द थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एज गिवन फिगर। जैसा कि ये फिगर आपको दिखाया गया है, कोई एक पार्टिकल है उस पर पी, क्यू और आर फोर्स लग रहे हैं। तो आपको ये बताना है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, कांस्टेंट रहेगी कि जीरो हो जाएगी? बताइए फटाफट से, बताइए डियर स्टूडेंट्स कि क्या होगा इसमें, आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी से बताइए। अगर P, Q और R ये तीन के तीन फोर्स लग रहे हो किसी भी बॉडी पर तो बताइए फटाफट से लिए। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि भाई द सम ऑफ ऑल फोर्सेस कितना होगा? तो द सम ऑफ ऑल फोर्सेस कितना होगा बताइए। अब ये अगर आपने वेक्टर पढ़ रखा है डियर, तो आपको इतना आइडिया आ गया होगा कि अगर इन तीनों फोर्सेस को अगर आपको ऐड करना है तो आप किससे जाएंगे? आप पैरेललोग्राम ला से जाएंगे। अगर आप पैरेललोग्राम ला से जाएंगे तो देखिए, इसका जो हेड है इस टेल से मिला हुआ है, फिर इसका हेड जो है इस टेल से मिला हुआ है, और फाइनली एक पॉलीगॉन लॉ को ये फॉलो कर रहा। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है? पॉलीगॉन लॉ में जो फाइनल एरो होती है, फाइनल एरो का हेड जो होता है वो इनिशियल एरो के टेल से मिलाया जाता है। और जब इन दोनों को मिलाया तो क्या इसमें कोई गैप है डियर? कोई गैप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है एफ नेट आपका जीरो आ रहा है। अब आप हमें बताइए कि अगर एफ नेट जीरो है, व्हाट डज इट मीन इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी बॉडी इज गोइंग टू बी जीरो, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है डियर कि अगर आपकी बॉडी वेलोसिटी में है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो
इंक्रीज होगा, ना तो डिक्रीज होगा, ना तो जीरो होगा, ये आपकी आपकी वेलोसिटी जो होगी डियर वो रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अब और देखिए ये क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा गया था, नीट के क्वेश्चन है ना, नीट की परीक्षा के 2019 कितने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं डियर। तो मेरे ख्याल से अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको इधर उधर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम करते हैं क्लीन और फिर से दो क्वेश्चन फटाफट से हम लोग लेते हैं। ओके डियर चलो। हाँ तो डियर आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। ओके डियर क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ फिर हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए और इसको अपना बेस्ट ट्राई मारिए। और ये क्वेश्चन कह के आ रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम डियर अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तो आपको ये बताना है कि T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। तो T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी डियर, जल्दी से फटाफट से आप हमें बताइए। सबसे पहले आप ये करिए, सबसे पहले आप वीडियो को करिए पॉज, और वीडियो को पॉज करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद आप सारे के सारे लोग इसको आप ट्राई मारेंगे। ओके, और जब आप अपना ट्राई बेस्ट मार लीजिए उसके बाद फिर आइए सॉल्यूशन देखने। ओके चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, वीडियो को पॉज करने के बाद आपने अपना बेस्ट ट्राई किया होगा। अगर आपने ऐसा किया तो इट्स अ गुड, कम ऑन। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे ही कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका क्या मतलब होता है डियर, इसका मतलब ये होता है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है, एफ नेट जो है डियर, वो एफ नेट क्या है आपका, इसका मतलब होता है कि एफ नेट आपका जीरो होता है। ओके, अगर एफ नेट यहां पे जीरो है तो आप हमें ये बताइए डियर, आप हमें ये बताइए कि यहां पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जरा जल्दी से बताइए। अगर आप इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लें, अगर ये 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो आपको ये बात तो तुरंत पता चल जाएगी डियर, आपको ये बात तुरंत पता चल जाएगी कि ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। कौन कौन सा, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक इधर, एक परपेंडिकुलरली और एक थीटा से लगा हुआ। तो थीटा से लगा हुआ ये क्या होगा, T1 cos 60, और ये कितना होगा डियर, ये होगा आपका T1 sin 60। बोली हाँ या ना, पक्का? अच्छा ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे आपका क्या काम कर रहा है, नीचे आपका mg काम कर रहा है, नीचे आपका क्या काम कर रहा है, नीचे आपका mg काम कर रहा है। तो फटाफट से अब रह ही क्या गया है यार, अब रह क्या गया है, अब आप फटाफट से क्या करिए, आप फटाफट से इन सारे के सारे फोर्सेस को इक्वल कर दीजिए। चलिए फोर्स को इक्वल कर देते हैं। तो भाई यहां पे mg जो है वो T1 sin थीटा के बराबर है, mg इक्वल टू कितना है, mg इक्वल टू क्या है, T1 sin थीटा है, sin थीटा है। तो ये बताओ mg, mg का मतलब √3 इनटू g इज इक्वल टू 10, और T1 और साइन थीटा की वैल्यू आप सारे लोग जानते हैं √3/2 होती है। ओके, अगर इतनी बात आपको डियर क्लियर है तो ये गया और T1 इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, T1 आपका आ गया 20। तो T1 अगर आपका 20 आ गया तो अगर आप इसी समय अगर हिट करना चाहें तो आपका आंसर मिल चुका है, आपका आंसर मिल चुका है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि T2 कैसे निकाला जाएगा। T1 आपका कितना आ गया है डियर, T1 आपका आ गया है, T1 आपका कितना आ गया है, T1 आपका 20 आ गया। तो यहां पे देखिए T1 cos 60 इज इक्वल टू कितना है, T2 है। तो जल्दी से बताओ कि T2 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताओ T2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, T1 की वैल्यू अगर 20 आए तो 20 और cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू T2, तो ये आ गया आपका 10, 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, T2 आ गया। तो देखिए फटाफट से सी ऑप्शन, सी फॉर चेन नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल, कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है यार, ये सारे के सारे क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कहां से क्वेश्चन उठा लिया गया, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैंने क्योंकि ये हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि आपको हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ हम आपको करवा के ही दम लेंगे। ओके, तो चलिए आ जाइए अब इस वाले क्वेश्चन को आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए और हमें बताइए, और हमें बताइए कि इसका आंसर कौन सा है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कि फॉर द सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा विल बी, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ थीटा सो दैट होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। बताइए फटाफट से कि ऐसा
क्या एंगल थीटा की वैल्यू हम लोग रख दे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। फटाफट से आप ट्राई मारिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए और फिर आप आइए सॉल्यूशन देखने। ओके डियर, चलिए। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स, आप सारे लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई मारा होगा, अपना बेस्ट ट्राई मारने के बाद आप यहां पे आए होंगे। ओके, अच्छा ये बताइए कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यार ये बताओ, अगर यहां पे एम है तो नीचे एम जी काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, वेरी नाइस। अच्छा अगर नीचे एम जी लग रहा है तो क्या ऊपर टेंशन टी नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। अगर ये टेंशन टी है तो रस्सी सेम है, तो रस्सी सेम है तो टेंशन यहां पे भी कुछ होगा कि नहीं होगा? यहां पे भी कुछ टेंशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यहां पे भी टेंशन होगा। अच्छा ये बताओ क्या रस्सी चेंज हो रही है? क्या रस्सी चेंज हो रही है? रस्सी चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर आपको लग रहा हो रस्सी चेंज हो रही है तो आप टी वन यहां पे टी माने, यहां पे कुछ और मान लीजिए। चलिए बताइए कि अगर यहां पे एम है तो नीचे क्या लगेगा? यहां पे नीचे एम जी लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्का लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? ऊपर भी टेंशन लगेगा। अच्छा ये बताइए अगर यहां पे टेंशन है तो यहां पे भी टेंशन की वैल्यू क्या होगी? चलिए ठीक है, इसको आप टी वन मान लीजिए, इसको भी आप टी वन मान लीजिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बिल्कुल जबरदस्त समझ में आई होगी। अच्छा बताइए, ये बताइए नीचे क्या काम करेगा? नीचे यहां भी एम जी काम करेगा। इस mg को बैलेंस क्या कर रहा होगा? ऊपर। यहां पे ये जो t है ये ऊपर क्या लग रहा होगा? जल्दी से बताओ, ऊपर ये 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 क्या लग रहा होगा? यहां पे लग रहा होगा t cos थीटा। क्या लग रहा होगा? t cos थीटा। और ये t1 भी ऊपर क्या लगा रहा होगा? t1 cos थीटा। बोलो हाँ या ना, पक्का? अब एक काम करो, फटाफट से आप क्या करो, इक्वेशंस बैलेंस करना शुरू कर दो। यहां पे mg इक्वल टू, अच्छा ये बताइए कि अगर ये सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये और ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे? दोनों के दोनों इक्वल होंगे, आप ये कह सकते हैं ना भाई? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये टी है, अगर ये टी है, ऊपर टेंशन टी लग रहा, तो इसका मतलब ये भी टेंशन टी होगा, ये भी टेंशन टी होगा। भाई सेम होगा ना, अगर ये सेम होगा तभी तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब तो आप कह सकते हो ना कि अगर ये टी है तो ये भी टी होगा, वेरी गुड। चलिए इसका मतलब जहां जहां भी टी वन रखे हैं वहां वहां आप टी कर दीजिए, वहां वहां आप क्या कर दीजिए? टी कर दीजिए। चलिए जल्दी से अब फटाफट से कर लीजिए कि एम जी बराबर टी। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पर आ जाइए, ये जो है ये क्या रूट टू जी बराबर क्या होगा? यहां पे देखो टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा। अरे भाई दो बार है ना टी कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टू टी कॉस थीटा हो जाएगा, पक्का ना? तो ये बताओ यहां से मेरे भाई, यहां से ये बताओ जल्दी से कि टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर यहां पे रूट टू जी है ना, रूट टू एम जी इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा। और टी बराबर क्या है? एम जी है, तो टी बराबर यहां पे एम जी रखिए, टू एम जी कॉस थीटा। बोलिए हाँ या ना, बराबर रूट टू एम जी। तो भैया एम जी यहां से गया तो कॉस थीटा बराबर क्या आया? कॉस थीटा बराबर आया रूट टू। कॉस थीटा बराबर क्या आया? कॉस थीटा बराबर आया रूट टू आया, पक्का? देखिए कहीं गलती तो नहीं हो रही है? देखिए रूट टू बराबर रूट टू एम जी गया, ठीक है। टू यहां पे टू है तो कॉस थीटा बराबर रूट टू जी, तो कॉस थीटा बराबर रूट टू अपान टू। अब रूट टू अपान टू को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या? टू अपान टू रूट टू। ये दोनों गया, आया वन अपान रूट टू, और वन अपान रूट टू कॉस 45 की वैल्यू होती है डियर, यानी कि सी वाला ऑप्शन, सी फॉर चेन नहीं, फिर से आपका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल जबत, कुछ नहीं करना था यार इसमें कुछ नहीं करना था। इसको आप बैलेंस करते, जैसे ही आप दोनों को बैलेंस कर लिए, और यहां पे देख रहा है ये mg किसके बराबर है? टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? टू टी कॉस थीटा, और यहां पर टू टी कॉस थीटा, और यहां पर यह कितना है? रूट टू एम जी है। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी वन अपान रूट टू। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। तो चलिए अब तक हम लोगों का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फिर से हम लोग बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं फिर से 2 क्वेश्चन नए। ओके चलो, तो डियर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे है। क्वेश्चन ये है डियर कि अगर 50 न्यूटन का फोर्स इस 5 kg के
ब्लॉक पे अगर 60 डिग्री पे लग रहा है तो आपको ये बताना है कि इस पे एक्सीलरेशन कितना होगा। एक्सीलरेशन कितना होगा डियर, तो जल्दी से आप वीडियो को करें पॉज और वीडियो को पॉज करके आप इसको करें अपना ट्राई, ओके। और ट्राई करने के बाद आप तुरंत आइए और हमें बताइए कि आपका आंसर कितना आया, ओके? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्या किया होगा, वीडियो को किया होगा पॉज और वीडियो को पॉज करने के बाद डियर आपने अपना बेस्ट ट्राई मारा होगा। तो देखिए, जैसे ही आप इस पर एक फोर्स लगाएंगे डियर, जैसे ही आप इस पर एक फोर्स लगाएंगे, आपको ये पता है कि ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स 60 डिग्री पे लग रहा है। अगर ये फोर्स डियर 60 डिग्री पे लग रहा है तो अगर आप इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करें तो आप क्या कहेंगे कि आपका फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो कहीं ना कहीं से आपका फोर्स ये इस तरीके से डायरेक्शन में लग रहा होगा। और ये जो एंगल है आपका डियर, ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री। अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर ये एंगल डियर 60 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है ए एक्सीलरेशन से, अगर इधर ये जो ब्लॉक है ये अगर ए एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ डियर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 होगा तो सीधी सी बात है ये फोर्स दो कंपोनेंट्स में टूटेगा। कौन कौन से डियर, ये हो जाएगा आपका क्या एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका डियर एफ साइन थीटा। अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक अगर राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर इस पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये वाला फोर्स आपका नॉर्मल के थ्रू क्या हो जा रहा है, नॉर्मल के थ्रू ये आपका बैलेंस हो जा रहा है डियर। अगर बैलेंस हो जा रहा है तो इसका मतलब अगर इसमें ए एक्सीलरेशन आया भी तो ए एक्सीलरेशन किसकी वजह से आया, एप्साइन थीटा की वजह से। यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एप्साइन थीटा इज इक्वल टू, एप्साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए डियर, कितना एम ए। इसका मतलब ये हो गया डियर, इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा देखिए यहां पर कितना है एफ, F, F की वैल्यू है 50, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं 50 साइन 60, भाई 60 ही तो ही होगा ना, 50 साइन 60 इज इक्वल टू मास, यानी कि 5 इंटू ए, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ओके। साइन 60 की वैल्यू कितना आएगी डियर, जल्दी से आप हमें बताइए, 60 की वैल्यू आएगी रूट 3/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। यानी कि अगर हम यहां से ए की वैल्यू निकालना चाहें डियर तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए, 5 एक के 5, 5 10, 2 एक के 2, 2 5, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से डियर ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सॉल्व हुआ होगा। केवल कुछ नहीं करना था आपको, आपको केवल फोर्स के कंपोनेंट्स तोड़ने आने चाहिए डियर। जो थीटा से लगा होता है वो कॉस थीटा में टूटता है, जो थीटा से 90 डिग्री या परपेंडिकुलर पे होता है वो साइन थीटा में टूटता है। बस इस बात का अगर आपको ख्याल रहे डियर तो आप बहुत ही फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपका हुआ क्लियर। चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके डियर। चल